नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो छात्र हैं यानी कि जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए कुछ अपडेट्स निकल के हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी व अपडेट देने वाला हूं। तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपको जानना भी ज़रूरी हो, इसलिए मैं आपके सामने कुछ अपडेट्स लाया हूं, वो आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं होगी, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहले देख लेते हैं पहली बड़ी अपडेट, फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट आ रही है, इसके लिए हालांकि मैंने दो बार वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि एक बार जब डेट नहीं, यानी कि लास्ट डेट थी तो बताया था, दोबारा डेट बढ़ी थी एडमिशन की तब बताया था। आज पुनः मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ कि इग्नू वाले जो छात्र हैं उसे समृद्ध जितने भी कॉलेज हैं उनमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन जो UGPG के यानी BSc BCom हैं वो अपना जो है एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। 25 अक्टूबर तक उनके लिए लास्ट चांस है, तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके जल्दी से जल्दी प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज बाद में आपको लेट पेमेंट फीस भी पड़ सकती है या फिर आपका एडमिशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है। तो आप लोग 25 अक्टूबर से पहले कॉन्टेक्ट कर लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज से। बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। जो अगली बड़ी अपडेट आई वो रिजल्ट को लेकर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट्स है ये अवध यूनिवर्सिटी से संबद्ध जितने भी कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है। तो जो अवध यूनिवर्सिटी है उन्होंने लगभग BA BSc BCom के जो छात्र हैं यानी कि UG वाले, ठीक है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाले, उसमें BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीन ईयर के छात्र होते हैं। तो मैं आपको बता दूं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले के रिजल्ट घोषित हो चुके हों, चाहे BSc को, चाहे BA को, चाहे BCom को हो, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर वाले जो प्रमोट किए गए थे, फर्स्ट ईयर वाले, उनका रिजल्ट अभी नहीं घोषित किया गया है। मुझे नहीं मालूम किस वजह से डिले है, लेकिन जब मैंने एक बार बात की थी तो उन्होंने बताया था जल्द ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, हालांकि एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी। तो लगभग अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं फर्स्ट ईयर वाले को छोड़कर सभी का रिजल्ट आ चुका है। जिनको नहीं मालूम वो अपना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो उसी की अपडेट है, BCom पार्ट थर्ड, BSc AG वाले, BSc AG सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BSc पार्ट थ्री वाले, टू वाले, सभी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कॉलेज ओपन होंगे, वहाँ सेलेक्ट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो परास्नातक वाले छात्र हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से ये अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। इसमें लिखा है कि यानी MA MSc MCom वाले जो छात्र हैं रजिस्ट्रेशन 17 तक विशेष सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम संशोधित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और समृद्ध डिग्री कॉलेजों में परास्नातक प्रथम वर्ष में पंजीकरण 17 अक्टूबर तक होंगे। यानी कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी उसमें जो BA BSc BCom के अलावा जो MA MSc MCom वाले छात्र यानी परास्नातक वाले MA MSc MCom वाले उन जो प्रथम वर्ष में पंजीकरण वो 17 अक्टूबर तक करा सकते हैं। इसके आगे आपकी डेट नहीं रहेगी, अगर बढ़ेगी भी तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि अगर ना बढ़े तो आप लोगों के लिए टेंशन हो सकती है, क्योंकि आप इससे पहले एडमिशन करा लीजिए फिर अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लीजिए, ठीक है। हो सकता है ना बढ़े तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप इसी तरह की छोटी बड़ी जो अपडेट आई थी मुझे लगा अब तक ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।